ताजमहल न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। इस वक्त हम हाजिर हैं पुणे के करीब ही पहाड़ियों के बीच में, कस्बा शिवापुर है और शिवापुर के कलंदर का नाम है हज़रत कमर अली दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह, और उनके आस्थाने के कैंपस में हम हाजिर हैं। ये बुज़ुर्गों की ज़मीन है, हमारा जो भारत है वो रूहानियत की ज़मीन है। सूफ़ी संत ऋषि मुनि सैकड़ों सालों से बंदगान खुदा को खालिक के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, बंदों के आपसी रिश्तों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए सूफिया के आस्थानों पर खलके खुदा का हुजूम होता है, बंदगान खुदा की जो है भीड़ हमें दिखाई देती है। लेकिन एक ख़ास बात है कि इन बुज़ुर्गों के आस्थानों पर भीड़ होती है लेकिन किसी की हत्या नहीं होती है। इन बुज़ुर्गों के आस्थानों पर हुजूम होता है लेकिन तशद्दुद नहीं होता है। इन बुज़ुर्गों के आस्थानों पर जो है बहुत बड़ी भीड़ होती है लेकिन उस संख्या के हाथों कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुँचती, क्योंकि इन बुज़ुर्ग के आस्थानों पर या साहिब आस्थाना से बुज़ुर्गों से जो फैज़ पहुँचता है वो ये है कि एक दूसरे का एहतराम सिखाया जाता है, एक दूसरे से प्यार सिखाया जाता है, इंसानियत सिखाई जाती है, मानवता सिखाई जाती है, सद्भाव सिखाया जाता है। सिलसिला चिश्तिया के मशहूर बुज़ुर्ग हैं हज़रत कमर अली दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद व खलीफा हैं हज़रत शमशाद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आस्थाना पुणे में है, और उसी बुज़ुर्ग के आप खलीफा और मुरीद हैं, और ये ज़िम्मेदारी हज़रत कमर अली दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह को इस कस्बा शिवरपुर की अता फरमाई। रूहानियत की दुनिया में ये निज़ाम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक़ल ही सलात व सलाम के बाद औलिया के सुपुर्द किया, और हुजूर के जानशीन औलिया उलमा सुलहा सूफिया दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुँच करके अपनी दीनी ज़िम्मेदारी को अदा करते हैं, और उसी ज़िम्मेदारियों की वजह से मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक इस्लाम का चिराग रोशन है। सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही का ये कमाल है कि उन्होंने बर्रे सगीर हिंदो पाक में हर जगह इस्लाम के नुमाइंदों को भेजा, अपने मुरीद व खुलफा को भेजा, और बंदगान खुदा की खिदमत के लिए उन्होंने तगदों की मेहनतें की, और यही नतीजा हमें दिखाई देता है। इस भारत में मुसलमान कई फेजिज़ में आए हैं। एक तो अवलीन दौर के मुसलमान हमें मिलते हैं जिनका ताल्लुक है केरला से, यानी उस दौर में भी मुसलमान आए, सिहाबा के दौर में हमें मुसलमानों की आमद मिलती है। फिर मोहम्मद बिन कासिम का एक दौर मिलता है, लेकिन ये तसलसल बाकी नहीं रहता है। जब अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह इस मुल्क में तशरीफ़ लाए हैं और उनको जब वाली हिंद बनाया गया है, तो उसके बाद लगातार सूफिया इकराम का एक तसलसल दिखाई देता है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के बाद में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, हज़रत ख्वाजा कुतुब के बाद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर हैं, बाबा फरीद के बाद महबूब इलाही हैं, मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी हैं, ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहली हैं, ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदराज हैं, और फिर इधर आईना हिंद अखी सिराज हैं, अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी हैं। तो ये जो फेजेज़ हैं अगर आप देखेंगे तो सिलसिला चिश्तिया के हिंदुस्तान में मानी हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा तो हज़रत महबूब इलाही के दौर में आते आते कहीं ना कहीं सिलसिला चिश्तिया का जवाल दिखाई देता है। लेकिन महबूब इलाही ने इस जवाल को जो कमाल में बदला है, ये अपने आप में एक बड़ी तारीख है। और फिर महबूब इलाही के बाद में जिस तरह से उन्होंने अपने खुलाफा को ज़िम्मेदारियां बांट करके देश के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा और उन्होंने ज़िम्मेदारियां अदा की, महबूब इलाही के बाद में अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें, बंगाल में देखें, तो आईना हिंद अखी सिराज हैं, फिर ख्वाजा अलाउल हक पंडवी हैं। फिर जब सिलसिला चिश्तिया को मज़ीद जो है बैनुल अक़वामी सतह पर तारुफ़ कराने की ज़रूरत थी, तो हज़रत मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी ने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह तक सिलसिला चिश्तिया का तारुफ़ कराया और पूरी दुनिया में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान पहुँचाया। कमर अली दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हम हैं इस वक्त, और ये बुज़ुर्गों के आस्थानों पर कुछ ऐसे अजायबात होते हैं जो खलके आदत होते हैं, यानी लोगों को समझ में नहीं आते और अकलों में नहीं आते, और जो अकलों में नहीं आता उसी को करामत कहा जाता है। हज़रत हाफिज़ इरफान अशरफ़ी साहब हमारे साथ हैं, बड़े भाई ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के सदर भी हैं। इरफान साहब इस्तकबाल है आपका, ये बताएँ कि यहाँ जो करामत है, चूँकि आप लोकल हैं यहाँ के और आते जाते हैं, आप किसी पत्थर के बारे में तस्करा कर रहे थे, क्या तारीख़ है उस पत्थर की? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पत्थर के बारे में तो बहुत मशहूर है और मारूफ है ये बात, यहाँ पर सरकार कमर अली दरवेश आले रहमा के आस्थाने पर जो पत्थर है, इस पत्थर को 11 लोग मिलकर अपनी शहादत की उंगली लगा करके उठाते हैं एक सांस में, और आपका नाम पुकार करके कमर अली दरवेश के नाम से आप पत्थर को सब उठाते हैं, वो पत्थर जो है वो उठता है। जितनी अकीदत और जितनी आवाज़ बुलंद होगी उतना ही पत्थर वो ऊँचा जाता है। यहाँ फ़कीर जो है वो
وہ اٹھاتے ہیں تو ان کی عقیدت بھی مضبوط ہے، وہ روز کرتے ہیں یہ، تو ماشاءاللہ وہ پتھر جو ہے سر سے بھی بلند ہو جاتا ہے، 90 کلو کا پتھر ہے، الحمدللہ ہم نے بھی اٹھایا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شہر میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے وہ پتھر نہیں اٹھایا ہوگا۔ تو 90 کلو کا پتھر بغیر نام کے اگر اٹھانے کی کوشش کرو تو نہیں اٹھتا ہے، مگر نام لینے کے بعد وہ پتھر اڑ جاتا ہے اور سر سے بلند ہو جاتا ہے، اس میں طاقت کی ضرورت نہیں، صرف آواز کی بلندی کی ضرورت ہے۔ تو خدا کے ولیوں کے ناموں میں وہ طاقت ہے کہ اگر ان کے نام سے، شہادت کی انگلی سے کوئی پتھر اٹھایا جائے تو 90 کلو کا پتھر 11 لوگوں کی شہادت کی انگلی سے اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ طاقت انگلیوں کی نہیں ہے بلکہ یہ قمر علی درویش رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی طاقت ہے کہ 90 کلو کا پتھر انگلی کے اشاروں سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہی عجائبات ہیں بزرگوں کے یہاں۔ لوکل لوگوں نے بتایا، چونکہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ یہاں کی روحانیت کو محسوس کرتے ہیں، جو تجربات ان کو ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں اس بارے میں کہ اگر کسی کو سانپ یا بچھو کاٹ لے تو اس کا زہر ختم کرنے کے لیے حضرت کے مزار کے ارد گرد کو چکر لگائے جاتے ہیں، اور جب وہ چکر لگتے ہیں تو اس کی وجہ سے سانپ اور بچھو کے کاٹے کا جو زہر ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور یہی بزرگوں کے یہاں روایت ہمیں ملتی ہے۔ صوفیوں نے اسی چیز کو بہت پرموٹ کیا، چونکہ اس ملک میں ضرورت تھی ایسے لوگوں کی تربیت کی جو توہمات کی دنیا میں رہتے تھے اور جو کہیں نہ کہیں ایک خدا کی طرف جانا چاہتے تھے، خالق کو سجدہ کرنا چاہتے تھے، اور انسان کی فطرت میں جو محبت ہے، روحانیت ہے، اس کو ایک رہنمائی کی ضرورت تھی۔ یہ کام ہمارے صوفیاء کرام نے بہت محنت کے ساتھ میں کیا اور اسی کا اثر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کا مقصد بھی یہی ہے کہ صوفیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں، بزرگوں کا جو طریقہ ہے، بزرگوں کی جو روحانیت ہے اور ان کی جو اسٹریٹجی ہے، بزرگوں کی جو پلاننگ ہے، سماج کو جیتنے کا جو طریقہ کار ہے، اس طریقۂ کار کو پھر سے پروموٹ کیا جائے، کیونکہ اگر سماج میں کمیونلزم بڑھ رہا ہے، نفرت بڑھ رہی ہے، فرقہ پرستی بڑھ رہی ہے، بھید بھاؤ بڑھ رہا ہے، تو ضروری ہے کہ یہ جو اتہاس، یہ جو تاریخ ہماری زمین کے اندر دفن ہے، اس تاریخ کو دوبارہ سماج کے سامنے پیش کیا جائے، سامپردائک سوہارد بڑھانے کے لیے، محبتوں کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، ایکتا کو بڑھانے کے لیے، اکھنڈتا کو مضبوط کرنے کے لیے، بھارت کو پھر سے ایک اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے صوفیہ کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو کو شیئر کر کے آپ بھی اس پیغام کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔